गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के रूप में आज तक हमने जितनी भी गणित पढ़ी है उस गणित में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के रूप में पढ़ा है। तो हमारे लिए जो भी नंबर्स हैं वो सारे सारे दशमलव नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर होता है। इसके अलावा भी कुछ नंबर सिस्टम हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। डेसिमल के अलावा एक नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम और फाइनली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेसिमल के अंदर हमारे पास में कुल 10 अंक होते हैं, 10 डिफरेंट डिजिट्स, 10 डिफरेंट अंक होते हैं जो कि है 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद में आता है बाइनरी, जिसमें हमारे पास में दो अलग अलग डिजिट्स होती हैं और वो दो अलग अलग डिजिट्स हैं 0 और 1। ऑक्टल में सिमिलरली हमारे पास में 8 डिजिट्स होती हैं जो है 0 से लेके 7, और हेक्साडेसिमल में हमारे पास में 16 डिजिट्स होते हैं जिसमें 0 से लेके 9, 10 तो ये हो गए, इसके बाद में ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स भी हम लोग काम में लेते हैं, कुल मिला के 16 डिजिट्स होती हैं। तो हमारे जो बोर्ड की परीक्षाएँ होती है उन बोर्ड की परीक्षाओं में एक सवाल जो फिक्स है 100% आएगा वो होता है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। यानी कि आपको ऐसा पूछा जाएगा कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाए, इन सारे नंबर्स का आपस में इंटर कन्वर्जन का एक सवाल आता है। तो उस सवाल को हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे कि इसका आपस में कन्वर्जन कैसा किया जाए। तो ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चारों नंबर सिस्टम्स का ले लिया है। नाउ इसके अलावा एक और कैटेगरी है नंबर सिस्टम की, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो है पोजिशनल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और दूसरा है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल एंड पोजिशनल नंबर सिस्टम, ये दो नंबर सिस्टम हम लोगों ने इसके अलावा भी जानना है। पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब है ऐसे नंबर सिस्टम जहां पर किसी डिजिट की सिग्निफिकेंस, उस डिजिट की वैल्यू डिपेंड करती है इस पूरे नंबर में डिजिट की पोजिशन कहां पर है। जैसे कि ये हमारे जो चारों नंबर सिस्टम अभी हमने पढ़े थे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल एक डेसिमल नंबर लेते हैं 177, ये एक डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 7 हम सबने पढ़ा है, इकाई, दाई, सैकड़ा सबने पढ़ा है। तो ये जो 7 है ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है। तो ये 7 की वैल्यू यहाँ पे 7 ही है एक्चुअली। इस अगेन नेक्स्ट 7 इसकी वैल्यू 70 है बिकॉज ये दहाई का अंक है, और तीसरा है सैकड़ा का अंक या हंड्रेड का अंक, इसकी वैल्यू 100 है। सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 7 है सेम 7 डिजिट यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रहा है अंक, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है इसकी पोजिशन कहाँ है। हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो इसकी पोजिशन अलग है, इसकी वैल्यू भी अलग है। तो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, और ये जो चारों नंबर सिस्टम हम भी हमने रेफर किए हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये चारों नंबर सिस्टम ही पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि पर्टिकुलर डिजिट है वो कहाँ पोजिशन हमने किए नंबर के अंदर उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होगी। नाउ द सेकेंड वन इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड रोमन नंबर सिस्टम। हम सब ने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे, तो रोमन नंबर्स में देखिएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड 1, दिस इज कॉल्ड 2,
तो यहाँ एक सिंगल लाइन है तो वन है, दो लाइन है तो दोनों की वैल्यू वन और वन, वन प्लस वन टू, देन दिस इज कॉल्ड थ्री, दिस इज कॉल्ड फोर, तो ये इसकी वैल्यू वन ही है। यहाँ अगर हमने इसको बाई तरफ लिखा है तो एक से घटाएंगे, दाई तरफ लिखा है तो एक से जोड़ेंगे, लेकिन वैल्यू उसकी सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा वो एक बार एक है, दूसरी बार दस है, तीसरी बार सौ है, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा ही वन रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल सिस्टम। अब हम इनका इंटर कन्वर्जन देख रहे हैं। किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, इसके लिए मैं बेसिक एक आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं। सेंटर में हमारा डेसिमल रहेगा, क्योंकि आज तक हमने जो भी नंबर सिस्टम पढ़ा है वो डेसिमल पढ़ा है, हम किसी भी संख्याओं को पढ़ेंगे तो डेसिमल में ही पढ़ते हैं, इसलिए सेंटर में हम लोग डेसिमल को रखेंगे। इसके बाद में हमारे पास में है बाइनरी, हम इसको ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड दिस इज कॉल्ड बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। तो हमारे पास मेनली दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है डेसिमल टू एनी अदर नंबर, डेसिमल से किसी भी अन्य नंबर सिस्टम में जाना। डेसिमल से किसी भी अन्य नंबर सिस्टम में जाने के लिए एक मेथड है हमारे पास में। इस मेथड से हम लोग डेसिमल से किसी भी अन्य नंबर सिस्टम में जा सकते हैं। ये बेसिकली डिवीजन मेथड कहलाता है। और दूसरा मेथड है फ्रॉम एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल, किसी भी अन्य नंबर सिस्टम से डेसिमल में। तो उसके लिए हमारे पास में एक सेकेंड मेथड है, और उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड। सो हमारे पास मेनली दो मेथड्स हैं, डिवीजन मेथड एंड मल्टीप्लीकेशन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन मेथड में हम लोग डेसिमल संख्या को किसी भी अन्य संख्या में बदल सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम लोग किसी अन्य संख्या को डेसिमल संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों प्रकार के सवाल काफ़ी फ्रिक्वेंटली हमसे पूछे जाते हैं, तो इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। तो पहले हम लोग डेसिमल से एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में नंबर है 175, डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा दो नंबर का, बोर्ड के एग्जाम्स में, टेस्ट में भी पूछा जाएगा। 175 डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हमारे पास में डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड में हम लोग 175 को डिवाइड करेंगे टारगेट बेस स्केल बेस नंबर से। ये डेसिमल का बेस नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। तो हमें हमेशा जिस नंबर में हमें जाना है
उस नंबर का बेस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। और एक थंब रूल मैं दे देता हूँ, किसी भी कन्वर्जन सिस्टम में चाहे आप डिवीजन कर रहे हैं चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कभी भी 10 का उपयोग नहीं होगा, यानी ये 10 कभी भी उपयोग में नहीं लिया जाएगा। तो यानी या तो अगर हमें बाइनरी में जाना है तो 2 का यूज़ करेंगे डिवीजन करने के लिए, और बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो भी 2 का ही उपयोग होगा, 10 का उपयोग कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं होगा। इस थंब रूल को हमेशा हम लोग याद रखेंगे। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब डिवीजन का तरीका हमें सबको पता है, डिवीजन को हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स में नंबर डिवाइड करके नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास में जो इंटीग्रल पार्ट आ रहा है यानी कि जो इसका कोशेंट आ रहा है वो यहाँ आएगा और रिमाइंडर इसका यहाँ पर आएगा, भागफल यहाँ आएगा, शेषफल यहाँ आएगा। एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, 175 को 2 से किया हमने, तो यहाँ पर 2 8 16, 2 7 14, बस यहीं पर रुक जाएंगे। इसको आगे दशमलव पॉइंट लगाकर पूरा भागफल से करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये हमारा भागफल है, कोशेंट है, और ये जो है ये हमारा शेषफल है या रिमाइंडर है। तो हम लोग जो हमारा भागफल है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और अब जो हमारा शेषफल है 1 उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी प्रक्रिया को आगे दोहराएंगे। और तो अभी ये हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर करीबन होगा 43 और शेषफल होगा 1। वापस इसको आगे ले लीजिए तो ये 21 और इसका आंसर होगा 1। सिमिलरली 10 शेषफल होगा 1। सिमिलरली 5 शेषफल होगा 0। सिमिलरली 4 शेषफल होगा 1। सिमिलरली 2 शेषफल होगा 0। सिमिलरली 1 0 एंड यहां पे हम इसको रखेंगे। नाउ इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम इन नंबर्स को नोट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ नोट करेंगे। तो हमारे पास ट्रांसफर आता है 1 0 0 1 0 1 1 1 1। ये जो नंबर हमें मिला है ये नंबर है हमारा बाइनरी नंबर, बाइनरी वैल्यू ऑफ 175 डेसिमल, इसका ये बाइनरी वैल्यू है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे वापस से। इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस नंबर को हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे इस बार ऑक्टल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को किसी भी अन्य नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है, चाहे वो ऑक्टल हो चाहे बाइनरी हो चाहे हेक्साडेसिमल हो, उसके लिए मेथड एक ही है। मेथड मैंने आपको बताया डिवीजन मेथड है, और डिवीजन मेथड में मैंने आपको क्या कहा था कि उसके अंदर हमें डिवाइड करना है टारगेट के बेस नंबर से। तो पिछली बार हमारा टारगेट था बाइनरी नंबर, इस बार हमारा टारगेट है ऑक्टल नंबर। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको सेम नंबर 175 को हम डिवाइड करेंगे इस बार 8 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग 175 को डिवाइड करते हैं 8 से। 8 2 16, 8 1 8, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास दोनों नंबर आ गए। हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कोशेंट को यहाँ पर, भागफल को यहाँ लिखेंगे, और शेषफल जो है वो हमारा यहाँ आएगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे 8 8 2 16, और शेषफल हमारा आ जाएगा 5 यहाँ पर। सिमिलरली
8 और ये 2 एज इट इज आ जाएगा शेषफल में, नीचे से ऊपर की तरफ, ये हमेशा याद रखेगा। और जब भी आप सॉल्व करें तब आप जरूर ये लाइन ड्रॉ करें क्योंकि एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है। और सारा प्रोसेस सही करने के बावजूद भी अगर आंसर गलत लिखेंगे तो हमें आंसर का एक नंबर कट जाएगा इसमें अननेसेसरी। तो यहाँ पे आंसर आएगा 257 ऑथर। प्लीज आप इसको बोलते समय 257 या 257 नहीं बोलें क्योंकि यही हमारी प्रैक्टिस है, इसी को हमने सीखा है हमेशा से, लेकिन वो डेसिमल नंबर के केस में बोल सकते हैं। इसको हम यहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे 257 ऑक्टल, इट इज नॉट 257, ये 257 नहीं है, ये 175 या 175 डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन है। फाइन, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। सेम एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो इस बार इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सेम एग्जांपल को 175 को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से, तो साइड में हम लोग करके देख लेते हैं। 175 को 16 से डिवाइड करना है, दैट्स ऑल, ये यहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये 10 टाइम्स यहाँ पे भाग जा रहा है और रिमाइंडर इसका बचेगा 15। देन अगेन इसमें भाग भी जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 10। यहां पे एक एडिशनल स्टेप आपको लेना है कि अगर हमारे पास में रिमाइंडर 10 या उससे बड़ा अंक आता है तो उसको हमें रेस्पेक्टिव अल्फाबेट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि 0 से लेकर 9 का तो सेम रहता है, 10 को हेक्साडेसिमल में बोला जाता है ए, 11 को बोला जाता है बी एंड सो ऑन, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। तो ये हमें रेस्पेक्टिव कन्वर्जन करना होगा। हमारे पास यहाँ 15 आया है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एफ से, और 10 है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे ए से, नीचे से ऊपर की तरफ। अब हमारा जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ए एफ 16। तो इस प्रकार से हमने डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये तीनों ही कन्वर्जन एक ही मेथड से कर लेके, जिसको हमने नाम दिया है डिवीजन मेथड। तो आज के लिए हमारे लिए ये कन्वर्जन 18।